कसूरी की ये बात है, फूलों की बरसात है, बीएस इस्लामिक सेंटर दीन की इशात है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن اج قربانے والے مہینے ذوالحج دی चार तारीख है या पांच हो गई हूँ। अच्छा जी, सवेरे चार हो जाने ना, तो इंशाल्लाह इस महीने अंदर मुसलमान दस तारीख नो कुर्बानी करते ने, ईद कुर्बान मनाते ने, और इस कुर्बानी का रिश्ता और ताल्लक जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल जोड़िया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत कुर्बानी, उन्होंने बेटा कुर्बान किया, रब ने बेटा बचाया और जन्नत च दुम्बा जिबा करवा के जानवर जिबा करन दा तरीका क्यामत तक वास्ते बाकी रखिया। और एक कुर्बानी वाला अमल आमना दे लाल दी उम्मत वास्ते अल्लाह ने रखिया। इहदे अंदर पैगाम किए अजकल ते ब्रैलर मुर्गा आम है, कुर्बानी दी एडी लोड़ को नहीं, जानवर जिबा करके गोश्त वंडन दी लोड़ को नहीं। अजकल ते दुनिया गोश्त खा खा के बीमार हो रही है, लेकिन इहदे बावजूद कुर्बानी वाला अमल जारी और सारी और इंशाअल्लाह क्यामत तक जारी रवेगा। कह दे इंशाअल्लाह इहदे अंदर पैगाम की है, जरा उधर इशारा करना चाहना कि जानवर मुसलमान दे सामने ओनू लिटा के जिबा करना चाहता है, और जेन अंदर एवे कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत है, तो एदे अंदर साडे वास्ते पैगाम की है। पुराने जमाने अंदर ना टेलीफोन सन, ना इन्ना ज़्यादा ट्रैफिक दा निज़ाम सी, कोई रिश्तेदार अपने किसी रिश्तेदार भैन भरा नूं मिलन वास्ते समझो लाहौरों अराइयां वाले चले आए, तो अपने महलेदारा आंदा है मैं चलिया राइया वाले, जे तुसा उत्थे अपने धी नूं कुछ सुनिया देना है तो मैनू दस दिओ। वो आंदे ने उहनूं साडे वल्लों आ पैगाम दई कि उहना हाड़ दी 18 तारीख नूं साडे कोल पहुंचे, असां उहदे भरा दा निकाह करना है। तो जिहड़ा पैगाम लैके लाहौरों अराइया वाले चलिया है वांडे, कहिंदा भाजी मैं भुल जाण दी बड़ी बीमारी है, जे मैं गल याद ना रही तो गुस्सा ना करी। कहिंदा गल ही को नहीं, मैं तैनू ऐसा फार्मूला देना कि तैनू मेरा सुनिया भुलना ही नहीं। उन्हें जनाब फड़ के ना जान वाले बाबे दे खेस नो चादर नो पल्लू फड़ के ना उन्हू गंड मारती। वो हस के आंदा बेली आ की कीता ई, मैं राइया वाले मसीते नमाज पढ़न गया ते मेरे जमातियां ने आखना है भैया नुसवार बनी फिरना है,
आ तंबाकू पिंडों लैके आया है, ये तो बड़ा लोगों ने मखौल करना है। तो वह जरा सुनिया दे रहा सी कहता भाजी ये गंढ मैं ता मारीे जो तू अराइया आले जाएगा अगर तेनू साडा पैगाम याद ना होया ऐं करके खेस दी बुकल जो मारेगा ऐं करके तेरा पल्लू खेस दा अखां दे सामने लंघेगा ते गंढ वेख के तेनू याद आ जाएगा। ओहो ओ मैनू ते जनाउल्ला ने सुनेहा दिता सी कि मेरी बेटी नू जाके आ सुनेहा देवी तो ओ जेड़ी बाबे दे पल्लू नू गंढ मारीए ओदे अंदर पैगाम है सुनेहा है सुनेहा याद करवाण वास्ते ओ गंढ मारी गई है। भला एक बारी बोल के दसो जेड़ी मैं मिसाल दे के तुहानू माड़ी जी गल समझाई है भला तुहाडी समझ विच मखसूस साहब गर्मी बड़ी तो कौम सा ही लगता है फ्रिज विच ही लग गई और तुहानू मेरी मिसाल समझ विच आई है। हुण जिवें आ गंढ मिसाल दे नाल जोड़ना चाहना जिहड़ी गंढ है वह इहनू सुनेहा याद कराएगी आ जिहड़ी कुरबानी है यह मुसलमान नू यह याद करवांदी है कि जिस इब्राहिम ने बेटा जिबा कीता ते अल्लाह ने दुंबा जिबा करवाता उस इब्राहिम दी सीरत अंदर खाली छतरा दुंबा जिबा करना नहीं इहदे पिछे भी उहदी जिंदगी अंदर बड़ियां कुरबानियां ने और रब्बे कैनात ने याद दहानी वास्ते सानू दसिया और याद करो ओ वेला अल्लाह ने इब्राहिम कोलो इम्तिहान लए उन्हें सारे परचे 100/100 नंबर नाल पूरे करते उन्हें सारे परचे पास कर ले जो परचे पास कर ले जिस तरह इंसान नू डिग्री मिलती है एने एफ एस सी की डिग्री बी एस सी की डिग्री बी काम की डिग्री एम बी की डिग्री तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम नू डिग्री केड़ी अता फरमाई वत्तखज़ अल्लाहु इब्राहिम खलीला। पता नहीं लैट जरा बुढ़ी हो गई बंद हो जाती है तेरा आवाज आए वत्तखज़ अल्लाहु इब्राहिम खलीला और इब्राहिम अलैहि सलाम नू अल्लाह ने अपना यार बना लिया जिगरी यार बना लिया दोस्त बना लिया प्यारा बना लिया जी अदरा दा डिग्री कदों मिले अल्लाह उन्हां कोलों इम्तिहान लैंदे ने उन्होंने सारे इम्तिहान पास कर छड़े अल्लाह फरमांदे ने मेरे इब्राहिम तेरी सारी कौम तेरे सामने तो वेख रहा है बुतां दी पूजा कर रही है अगर मेरा सच्चा यार है इन्हां सारियां बुतां नू तोड़ दे और कुरान ऐलान करदा है फाजा अलहुम जो जाजन इल्ला कबीर अल्लाहुम लअल्लाहुम इलैहि यरजिऊन। उन्होंने सारिया बुतां दे टोटे टोटे करते सब नालों वड्डा बाकी छड्डिया ताके जदों ये आणगे मेले तो वापस इन्हां नूं गल समझ अंदर आए इशारे करना चाहना कौम ने बह के फैसला कीता कालो हर को हो वंसुरु आले हताकुम इंकुंतुम फाइलीन। सियाने सियाने बंदे आंदे ने एवें लम्मियां सलामां ना करो जे कुछ करना चाहते हो अग बाल के इब्राहिम नू साड़ दियो। हजरात उन्होंने बड़िया बड़िया दीवारा बनाइया ओदे अंदर उन्होंने बालन पाया अग बाल दिते जदों अग दे पांबड़ मचे अल्लाह दे यार नू जेल चों कढ के अग दे सामने खड़ा कर दिता नमरोद ओदे सारी कबीना वजीर ते मुशेर
अपनी अपन कुर्सियां डाके बैठे ने। नमरोद बेईमान इब्राहिम अलैह सलाम नु आंदा है, जवाना जा अपने जान बचा या ईमान बचा, अगर साडे नाल मिल जाएगा साडिया रब्बा नु तोड़न दी वजह तो जेड़ी गलती कीती है माफी मंग लेंगा, तेरे जान बख्शे हो जाएंगे। और अगर इन्हां गल्लां ते माफी नहीं मंगेगा अपने ईमान ते पक्का रहेगा, मैं इशारा करांगा तैनू अग दे अंदर सुट दिता जाएगा, अग तैनू जला के तेरा नामो निशान मिटा देंगे। हजरात परचा शुरू हो गया, एक पासे जवान दी जान है, दूसरे पासे अग वाला इम्तिहान है। इब्राहिम अलैह सलाम ने आखिया जान दे देना मेरे वास्ते मामूली है, पर ईमान उत्ते सौदा नहीं करना। उन्होंने पंगूड़े च पाया और बन के पंगूड़े नल रसे अग वाल सुटिया। जदों अल्लाह दा खलील अग वाल जा रहा से, सही बुखारे लिख आए उन्हां दी ज़बान उत्ते आ अल्फाज़ सन, हस्बी अल्लाहो व निमल वकील। ऐस मुश्किल से मुसीबत अंदर मेरे वास्ते मेरे काम सवारन वास्ते हस्बी अल्लाह, मैनू अल्लाह कल्ला ही काफी है। मुश्किल विच नबियां ने अल्लाह नू पुकारिया, डुबे होए बेड़िया नू अल्लाह खुद तारिया। तू भी मन वीरा ओनो मुश्किल कुशा, उसे नू पुकार सार उसे नू चौका। अल्लाह दा कुरान सूरा हज अंदर इलाने कुल ना या नारो कोने बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह फरमांदे ने मैं अग नु हुक्म दिता सलामा, मेरे यार वास्ते सलामती वाली बन जा। हजरात एदा सादा तर्जमा कीए, ना इन्नी ठंडी हो जाए मेरे यार नु पाला लगे, ना इन्नी गर्म रही मेरे यार नु पसीना आए। बहार दा मौसम बना दे, फगन चेतर वाला मौसम बना दे। हजरात इम्तिहान रब ने लिया ते अल्लाह ने इम्तिहान अंदर इब्राहिम नु पास कर दिता। इब्राहिम इस परचे दे अंदर फेल होए या पास? पास हो गए। और किसे कसूर दे बाबे ने तर्जमा कीता, की तर्जमा कीता, जे पता सी अग ने साड़ना नहीं छाल अग विच मारी ते की मारे। हर दूजा बाबा तर्जमा करके आंदा इब्राहिम ने कलमा पढ़िया मार छलांग चिखा विच वड़िया, अग दे कोलों मूल न डरिया ते अग बने गुलजार। कलमा इंज पड़ी दाई यार कलमा, अबू बकर ने कलमा पढ़िया लिया माल नबी दे कदमी तरिया, गुरबत कोलों मूल न डरिया कर बोकर आया मार। कलमा इंज पड़ी दाई यार कलमा। और मुजाहदा दे मौलवी ने तर्जमा कीता नमरोदियां इब्राहिम नबी नो विच चिखासी पाया, नमरोदियां इब्राहिम नबी नो विच चिखासी पाया, नी अगे तो ठंडी हो जा रब ने सी फरमाया, नी अगे तो ठंडी हो जा रब ने सी फरमाया। हार गए नमरूदी सारे, जीत गया सी खलील कल्ला। सुपर पावर अमेरिका ने सुपर पावर अल्लाह,
इम्तिहान अंदर पास हो गए, अग चो बार आए। बापा दा नौजवाना गल सुन ले, तो साड़ियां रब्बां दी गुस्ताखी करन कोलों मुखालफत कोलों बाज नहीं आंदा। अगर तू बाज ना आया ला अर्जो मन्ना का वाह जोरनी मलीजा, मैं तैनू पत्थर मार मार के जानू मार देंगा। अगर अपनी जान बचाने चाहना है मेरा घर छड़ दे, चल मेरे घरों निकल जा। फिर परचा शुरू हो गया, फिर इम्तिहान दा वेला आ गया। एक पासे मां दा प्यार है, बाप दा प्यार है, भैणा ते भरावां दा प्यार है, सज्जन ते यार, अपना मुल्क ते अपना शहर है। सारा कुछ छड़ना पेगा, हर शह दी कुर्बानी देनी पेगे। एक पासे रब रहमान दी तौहीद है, एक पासे खानदान महला ते सज्जन ते यार ते बेली ने। लेकिन इब्राहिम सलातो वसलाम ने हर शह दे कुर्बानी देती, पर तौहीद वाले अकीदे नू कुर्बान नहीं कीता। काला सलामुन अलैक। अच्छा जी अब्बा जान, तुसी शाद रहो, आबाद रहो, तुसी वसदे रहो, अल्लाह तानू खुशियां ता फरमाए। मैं तानू छड़ के अपने रब वाल जा रहा वा। हजरात चल दिया चलां दिया रस्ते दे अंदर ऐसा मुल्क आया, उतों दा बादशाह औरतां दे नाल बदकारियां करन वाला। ओदे करिंदिया ने ओदे सिपाहियां ने जाके दसिया, एक मुसाफर ते परदेसे साडे शहर अंदर रहज रखी बैठा है, ते अगे जान वाला ओदी बीवी बड़ी रज के सोने है। ओ जालम ने आखिया ओ लड़की मेरे कोल ले आओ। हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम दी सौजा माई सारा, ओ बेईमान बादशाह दे फौजी ते सिपाए प्यारे इब्राहिम कोलो दे बीवी खो के ले गए। हजरत नक्शा कैसा बन गया, बादशाह दे महल अंदर पुचा दिता गया। ते माई साहबा ने जदों ऐसी मुसीबत आए, उस महल अंदर नमाज नेत लई। अल्लाह दे कुरान ने ईमान वालिया नो मुश्किलां मुसीबतां अंदर की करना चाहिदा है पैगाम दिता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनो बिस्सब्र वस्सलाम। ऐ ईमान वालेओ जदों तुहाडे ते औखा वेला आ जाए, इस्ताइनो बेसबर वसला, नमाज पढ़नी है ते सबर करना है। ऐ ईमान वालो तुहानू परेशानी आए, मुश्किल आए, मुसीबत आए, इस्ताइनो बेसबर वसला, तुसा अल्लाह दे कोलो इमदाद हासिल करनी है ते सबर दे नाल ते नमाज दे नाल। माई सारा उस कमरे दे अंदर नमाज नहीं देंदी है, बदकार बादशाह दे करीब आया, अल्लाह ने मुद्दिया करके सुड़ दिता। अल्लाह दिया रामत आईया, उन्हें आखिया इस माई नू मेरे कोलो ले जाओ। और नाल बाबा बीबी माई हाजरा बतौरे खादमा दे छड़ी, इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम दोनों औरतां नू लेके फलस्तीन अंदर चले जांदे ने और लोगां नू दावतां देंदे ने कि सारी कैनात दा खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, बेटे बेटियां देण वाला अल्लाह। लेकिन अल्लाह वल्लों आजमाइश ते इम्तिहान है, लोगां नू कहण वाला अल्लाह औलाद देंदा है, पर इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम कोल औलाद कोई नहीं। अल्लाह ने बुढ़ापे दे अंदर जाके औलाद अता फरमाई। अल्लाह कोलो दुआवां करदे ने, रब हबली मिन सालिहीन, ए मेरे रब्बा मैनू अता फरमा दे औलाद। हजरात इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा कीदा है, औलाद अल्लाह देंदा है,
और कुरान ने मुसलमानों को अकीदा सिखाया लिल्लाहे मुल्कु समावात वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा उज़्ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यज़अलु मन यशा अकीमा इन्नहु अलीमुल क़दीर। जमीन व आसमान दी बादशाही सारी अल्लाह वास्ते अल्लाह जो चांदा है बनांदा है जिन्हों चांदा है बेटियां जिन्हों चांदा है बेटे जिन्हों चांदा है बेटे ते बेटियां अता फरमांदा है पुत्रां दी फौज देते नबी याकूब नो पुत्रां दी फौज देते नबी याकूब नो तियां ते पुत्र देते सबर अयूब नो निरियाई तियां दितियां शुएब महबूब नो कईयां नो देंदा कुछ भी ना है। तो अल्लाह ने अपने प्यारे नो वड्डी उम्र अंदर बुढ़ापे अंदर जाके बेटे अता फरमाए इस्माईल अता फरमाया कई साल बाद इसहाक अता फरमाया अल्लाह ने बुढ़ापे अंदर औलाद अता फरमाई। एदी दलील वे कुरान अंदर है सूरा इब्राहिम नो जरा तिलावत करके वेखो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दा शुकराना अदा कर देने ते की आंदे ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहाबली अलल के बारे इस्माईल व इसहाक इन रब्बी लसमी उद्दुआ। सारिया तारीफा उस अल्लाह की जात वास्ते एड़ी जात ने मैनो बुढ़ापे अंदर इस्माईल और इसहाक अता फरमाए बेशक मेरा रब दुआवां सुनन वाला है। हजरा दुआवां सुन वाला होर कौन है सिर्फ कल्ला जरा मिलके दसो कौन अल्लाह। इस वास्ते जेड़ा बंदा भी कुछ मंगना चाहता है ओनू अल्लाह कोलों मंगना चाहिदा है अल्लाह कोलों होर मंग होर मंग होरा तो ना मंग कमजोर अकल वाले आ कमजोर तो ना मंग अल्लाह कोलों होर मंग होर मंग होरा तो ना मंग कमजोर अकल वाले आ कमजोर तो ना मंग मंगण वाला वेखो लोको सारा जग जे अता करन वाला मेरा कल्ला रब जे मंगण वाला वेखो लोको सारा जग जे अता करन वाला मेरा कल्ला रब जे तू हर वेले हर वेले हर वेले उसे शाजोर कोलो मंग अल्लाह कोलो होर मंग होर मंग होरा तो ना मंग कमजोर अकल वाले आ कमजोर तो ना मंग। अल्लाह ने बुढ़ापे अंदर बेटा अता फरमाया नाम रखया इस्माईल फिर इम्तिहान आ गया अल्लाह फरमांदे ने मेरे प्यारिया ए तैनु सोना ते प्यारा बेटा मैं अता फरमाया बेटा ते बीवी लै लै जिथे मैं आखा उथे जाके छड़या बेटा और बीवी नू लिया जूं चले फलस्तीन विचों जिथे बैतुल्ला ए काबातुल्ला ए आबे जमजम वाला चश्मा है। सही बुखारी अंदर लिख आए आका ने सलातो व सलाम ने फरमाया मक्के तो बैतुल मुकद्दस चालियां रातां दा सफर है की मतलब सारा दिन काफला सफर करे रात नू काफला आराम करे सारा दिन सफर करे फिर रात नू आराम करे चालियां रातां दे स्टाप तो बाद मक्कियों जाओ ते फलस्तीन दा शहर बैतुल मुकद्दस जिथे अक्सा मस्जिद है ओ शहर आंदा है
ਉਥੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਇਸ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਅੰਦਰ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬਨਾ ਇੰਨੀ ਅਸਕੰਤੁ ਮਿਨ ਜ਼ੁਰਿਯਤੀ ਬਿਵਾਦਿਨ ਗੈਰਿ ਜ਼ੀ ਜ਼ਰਇਨ ਇੰਦਾ ਬੈਤਿਕਲ ਮੁਹੱਰਮ, ਰੱਬਨਾ ਲਯੁਕੀਮੁ ਸਲਾਤਾ ਫਜਅਲ ਅਫਇਦਤਮ ਮਿਨਨ ਨਾਸ ਤਾਵੀ ਇਲੈਹਿਮ ਵਰਜ਼ੁਕ ਅਹਲਹੁਮ ਮਿਨ ਸਮਰਾਤ ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਸ਼ਕੁਰੂਨ। ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਤੋਫੀਕਾਂ ਦੇਵੇਂ, ਨਮਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇੱਧਰ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਫਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰਜ਼ਾਕ ਆਪ ਅੱਲਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਇਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਮਾ ਮਿਨ ਦਾਬਤਿਨ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਇਲਾ ਅਲਲਾਹਿ ਰਿਜ਼ਕੁਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਦਾਰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਲਲਾਹਿ ਰਿਜ਼ਕੁਹਾ। ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਨਨਾ ਰੱਬਕਾ ਯਬਸੁਤੁ ਰਿਜ਼ਕਾ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਏ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੱਕੇ ਵਰਗੇ ਬਿਆਬਾਨ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਉਥੋਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਆਪੇ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈਵਾਨ ਉਹਦਾ ਖਾ ਕੇ ਪਾਲਦੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਲੂਕ ਵਸਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਮੱਛੀ ਤੇ ਨੱਸਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੰਗ ਰਹਿਣ ਅਕਲਾਂ, ਗੋ ਸੱਪ ਸਾਨਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਲਈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਸਕੀਨ ਲੱਭ ਲਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਕੌਣ ਤੇ ਸਿਉਂਕ ਪਾਲਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਦੇ, ਹਾਥੇ ਰਿਚ ਬਾਂਦਰ ਆਵਾਰਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੇ ਲੂੰਬੜਾਂ ਨੀ ਪਾਈਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਮੁੜ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਯਾਰੋ ਰੱਜ ਰੋਟੀਆਂ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਅੰਦਰ ਵੇ 100/100 ਨੰਬਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਰੀ ਪਰਚਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਪਰਚਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਲਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾਹ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਯਾ ਬੁਨਯਾ ਇੰਨੀ ਅਰਾ ਫਿਲ ਮਨਾਮੇ ਅੰਨੀ ਅਜ਼ਬਾਹੁਕਾ ਫਨਜ਼ੁਰ ਮਾਜ਼ਾ ਤਰਾ, ਕਾਲਾ ਯਾ ਅਬਤਿਫ ਅਲਮਾ ਤੂੰ ਉਮਰ ਸਤਾਜੇ ਦੁਨੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੋ ਮਿਨ ਸਾਬਰੀ। ਬੇਟੇ
बेटा मैं ख्वाब अंदर वेखे आए, मैं तेनू ज़िबा कर रहा वा, दस तेरी मर्जी की है। बेटा आंदा अबू जान जो अल्लाह दा हुक्म आया पूरा करके वखाओ, अल्लाह ने चाहिया ते मैं सबर करके वखावांगा। जरा कुरान दे अल्फाज सूरह साफात अल्लाह फरमांदे ने फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन। अदरा गौर फरमाना, बुढ़ापे अंदर अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, बुढ़ा बाप अपने बेटे दी गर्दन ते छुरी चलान लगा, बेटा ज़िबा होने वास्ते तैयार हो गया, बाप छुरी तेज करके बेटे नू लिटा के ज़िबा करन वास्ते तैयार होया। जदों इब्राहिम अपने बेटे नू ज़िबा करन लगे, अल्लाह ने बेटा बचाया, जनता दा दुंबा अता फरमाया, और अल्लाह ने नाल ऐलान करता वना दैना हो अय्या इब्राहिम कद सद्दक तर रोजा इन्ना कज़ालिक नजज़िल मोहसिनीन। बस मेरे आ सजना बेलिया बस कर, परेशान ना हो, असा तेनु आजमाना सी, असा तेनु आजमा लिया। कद सद्दक तर रोजा, तू अपना ख्वाब सच्चा करके वखा दिता। अल्लाह फरमांदे ने असा वफा दैना हो बेज़िबहिल अज़ीम, असा बेटे दी जगह ते बड़ा वड्डा बदले अंदर दुंबा या छतरा जनता चो लिया के सिबा करवा छड़िया। हजरात मैं अपनी गल हुण खत्म करना चाहना वा, आ सारी दी सारी इब्राहिम अलैह सलात व सलाम दी सीरत इम्तिहान उत्ते इम्तिहान ने, सब नालों औखा परचा बेटे दी कुर्बानी वाला है। जे पता सी अग ने साड़ना नहीं, छाल अग विच मारी ते की मारी, जे पता सी छुरी ने कटना नहीं, कुर्बाने पुत्र दे तारी ते की तारी। अनेस कुर्बानी अंदर आमना दलाल दी उम्मत वास्ते क्या पैगाम है, जदों असी अपने सामने दुंबा छतरा सिबा करने वास्ते खड़ा कर दईए, सानू उदों ख्याल आना चाहीदा है जिन्हें बेटे दी गर्दन ते छुरे चलाई, उन्हें अल्लाह दी खातर बुतां नू तोड़िया। कहना दया मालका, अगर मैनू भी बुत प्रस्तां दे नाल टकराना पिया, बुतां नू तोड़न वास्ते मूदी ते उहदियां फौजां नाल लड़ना पिया, मैं भी लड़ के वखावांगा। कह दियो इंशाअल्लाह। हज़रात कुर्बानी दे सारे पैगाम दा खुलासा अल्लाह ने जिहाद वाले कूजे अंदर बंद कर छड़िया है। आज भी काफरां दा मुकाबला मुजाहिदीन कर रहे ने। इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम ने बुतां नूं तोड़िया, अज भी अल्लाह दे नेक बंदे बुत परस्तां दे नाल टकरा रहे ने, उन्हां दे नाल मुकाबले कर रहे ने, और अपनियां गर्दनां कटा रहे ने। आ इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम दी सीरत दा पैगाम है। आओ जरा अगे चलो, इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम नूं काफरां ने अग अंदर पाया, इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम डोले नहीं घबराए नहीं। अगर साडे ते औखा वेला आ जाए, जान दा खतरा हो जाए, जेलां च जान दा खतरा हो जाए, ते सानू भी कुर्बानीए पैगाम देंदी है, जान दे छड़ी पर ईमान उते सौदा ना करी। आओ जरा अगे चलो, इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम ने अल्लाह दे दीन नूं नहीं छड़िया, वतन छड़ दिता, खानदान छड़ दिता। अगर मैनू भी अल्लाह दी तौहीद दी खातर, आमना दे लाल दी रिसालत दी खातर, आप दी सुन्नत दी खातर खानदान छड़ना पै, वतन छड़ना पै, इलाका छड़ना पै,
ते मैं भी सारियां नूं छड्डांगा पर रब रसूल नूं नहीं ओ छड्डणा। पर हजरा साडी हालत की है, अहले हदीस भी सिदवाने आ, अज ते हो गई वाबी वाबी दे नारे भी लाने आ, कुर्बानियां भी करने आ, बकरे ज़िबा करने आ, छतरे ज़िबा करने आ, कल्ला कल्ला अहले हदीस पूरी पूरे गां दी कुर्बानी करदा है। पर इहनूं मियां जदों अल्लाह रसूल दी वजह तो खानदान मुकाबले चा जाए, मिसाल दे के गल खत्म करना चाहना, बेटे दी शादी दा मौका आ गया, इंशाल्लाह बेटे दी शादी दा मौका आ गया, कुड़ी वालिया ने आख्या तूतियां वाजे लेके आने ने, जे नहीं ते साडे कोल टुकण वास्ते नहीं आना। कुर्बानियां करन वाला हजरात इत्थे परेशान होके आंदा है, पुत्रा सिद्ध ना कर, अगर असा बैंड वाजे ना लगाए सानू रिश्ता नहीं मिलना। जड़ा शैतान दा पैरोकार है और रिश्ते तो इनकार कर रहा है। तौहीद दा लंबरदार आमना दे लाल दी सुन्नत छड़ के लम्मा पै जांदा है। शादी दे अंदर सोने मुस्तफा दे सुन्नत दा ख्याल नहीं करदा, ढोलकियां वजांदा है, खड़कांदा है, तोतियां वाजे वजांदा है, जबके असी सारे ऐलान करने आ किसे दा कोई पीर किसे दा कोई पेर, साडा पीर कौन है? सारे कैनात दे सरदार आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो। सारा मजमा अपना पीर मानदा है, जरा हाथ खड़ा करे मानदा है। तो सुनो फिर असी उस वेले आमना दे लाल दे सुन्नत नो छड़ देने आ, कुर्बानी नहीं देंदे, लम्मे पै जाने आ। अल्लाह सा असा सारियां ने तेरे सोने मुस्तफा नू अपना पीर मन्या, असी वादा करने आ सोने नबी दी सुन्नत दी मुखालफत ते खानदान छड़ देंगे, बरातरी छड़ देंगे, पर तेरे सोने नबी दा तरीका नहीं छड़ांगे। अल्लाह तेरी तौहीद उत्ते सौदेबाजियां नहीं करांगे, रिश्तेदारियां छड़ देंगे, पर तेरी तौहीद वाला अकीदा नहीं छड़ांगे। अल्लाह ने सानू सारे कैनात नालों सोना पीर अता फरमाया। तुहाडे पिंड दे माशाअल्लाह मोहतरम मौलाना मुहम्मद यूनस, असी इन्हां नू कंगनपुरे दे नां नाल याद करने आ, ऐसे पिंड दे रहिशी ने, जमात दे माशाअल्लाह मरक दे खतीब ने, मेरे नाल बैठे ने, जरा तवज्जो फरमाना सोने आ। असा सारिया ने आमना दे लाल नू अपना पीर कह दियो मन्या है। फिर शेर सुनावांगा, असा इक नू ही दिल च वसा लिया, सोना पीर असा मदनी बना लिया। कह दो इंशाल्लाह, असा इक नू ही दिल च वसा लिया, सोना पीर असा मदनी बना लिया, सोना पीर असा मदनी बना लिया। तू कि जाने मदनी दा केड़ा उच्चा शान है, तू कि जाने मदनी दा केड़ा उच्चा शान है, शाना बयान करदा रब दा कुरान है, शाना बयान करदा रब दा कुरान है। रब ने सोने नू फलका ते बुला लिया, सोना पीर असा मदनी बना लिया। तो हज़रत इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम दी सीरत अंदर ए पैगाम है। कुर्बानी करने वालों इस गल ते भी गौर करो, उन्होंने खानदान दी कुर्बानी वतन दी कुर्बानी देती, असी भी देंगे। अल्लाह ने छोटा जिहा सोहना मन मोहना बेटा अता फरमाया, ते रब दा फरमान मन के बीवी ते बेटे नू जंगलों अंदर छड़ के आ गया। और अपना हाल की है, किसे पक्के नमाज़ी नू सवेरे पुछो इशा दी नमाज़ है मसीते नहीं आया, पोला जिहा मुंह करके तेरी भरजाई कली सी,
हजरात तेरी परजाई कली सी पूरा पिंड बादे ए मियां बीवी कली छड़ के नमाज वास्ते नहीं जांदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मियां अपनी बीवी ते बेटा जंगलात छड़िया तेरे मेरे वास्ते पैगाम है, अगर तेनू अपनी बीवी ते बच्चे अल्लाह दे दीन वास्ते छड़ने पैन ते छड़ दे कह दियो नहीं छड़ांगे। आते ठीक मोड़ दे नाल एक पिंड है बड़ा वड्डा एल दिशा दा की ना उहदा गेलण उथे एक बाबा रिटायर लाल रिटायर स्कूल टीचर है लाल दाड़ी वाला ओदा नौजवान बेटा इसे तरह खानदान छड़ के मैदान अंदर गया शहादत दी मौत पा गया। मैं ते मोहतरम नसर जवेद उस बुजुर्ग दे घर जाके बैठे हाँ पानी तानी पी के हाल चाल पुछया। मैं आख्या बुजुर्गो जरा अपने शहीद होने वाले बेटे दी को जिंदगी दा वाकया ते सुनाओ। आंदा वट्टो साहब आ मैं बराबर चार कमरे पाए और अपने बेटे नू आख्या जेड़ा कमरा तैनू पसंद है तू मल लै अगो मेरा पुत्रां दा पूजान मैनू इन्हां कमरियां दी लोड़ को नहीं मैं ते जन्नत दे महलां दा तलबगार आने कोई कमरा ना मलिया असी दोवें जी हज दी दरखास्त देन लगे। मैं आखिया सोनिया बेटे मेरे नाल चलो हज करन वास्ते अगो मुस्करा के आंदा बूजान तुसी दोवें जी हज करन ते जाओ हज वास्ते जाओ जदों तुहाडी पहली नजर बैतुल्ला शरीफ ते पै मेरे वास्ते शहादत दी दुआ कर देना। वट्टो साहब असी हज करके आ गए हुण ओह वेला आया मेरा बेटा कुर्बान होने वास्ते तैयार होया ओदियां पैणा ने ओदे उस पैक अंदर कई सूट पाते जदों टुरन लगा सारे सूट ओने कढ के बाहर सुटे एक सूट ओने बाकी रखिया। भैणा सवाल कर दिया ने वीरिया सूट क्यों कढे ने आंदा मैनू लोड़ को नहीं इको सूट अंदर गुजारा हो जाएगा। भैणा आंदिया ने पहले भी कई वारी तो मैदाना वल गया है बड़े सूट लेके जांदा से अगों भैणा नू आंदा है अगे मैं जांदा सा ते वापसी दी नीयत नाल जांदा सा हुण ते मैं कुर्बानी दी नीयत लेके चलिया वा मैनू इन्हां कपड़िया दी लोड़ को नहीं। मौलाना साहब बेटा तैयार हो गया उन्हें कपड़िया वाला पैक पिछे पाया आ साडी गलीए आ सामने मेन बाजार असी सारा टब्बर ओनू अलविदा करके गली अंदर खड़े होए आं इंज करके चौकड़ियां भरदा मेरा बेटा बाजार वल जा रहा है एक वारी भी उन्हें पिछा मुड़ के नहीं वेखिया। अदरा गौर करना आ कुर्बानी तेनू पैगाम देंदी है इब्राहिम ने रब दी खातर खानदान छड़िया पैना परा छड़े अपना वतन छड़िया आ जिहाद दे जान वाला इब्राहिम दा सही पैरोकार खानदान छड़ के जुदाइया पा के जा रहा है पर एक वारी भी पिछा मुड़ के नहीं वेखिया। इस नौजवान दा जज्बा वेख के एक तराने दा जुमला मैं तुहानू सुनाना चाहना वा इहदे जान दा अंदाज कैसा है होरों का दुल्हा जा रहा है देखो कैसी शान से। एक बारी सारे कह दो सुभान अल्लाह हो होरों का दुल्हा जा रहा है देखो कैसी शान से जान का सौदा कर चुका है जान का सौदा कर चुका है ये तो रब रहमान से होरों का दुल्हा जा रहा है देखो कैसी शान से। अगला मंदिर कैसा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने आख्या बेटा कुर्बान कर दे
बाप ते मां अपना बेटा कुर्बान करन वास्ते तैयार। मैं पहले आख्या है इब्राहिम अलैहि सलाम दी सारी सुन्नत अल्लाह ने जिहाद वाले कुछ अंदर बंद कर छड़ी है। उधर बाप अपने बेटे नो कुर्बान करन वास्ते तैयार कर रहा है। माई हाजरा ने अपना बेटा नुआ दवा के तैयार किया। ते इधर मंदिर कैसा है, मियां नौजवान जिहाद वाल जा रहे ने। एक मां दा वाकया एक बाप दा वाकया सुनाना चाहना। लाहौर दा शहर है, एक नौजवान नो जिहाद दा शौक चढ़ गया। ते मियां सारियां ट्रेनिंगां करके वापस अपने घर अंदर आ गया। सारे खानदान कोलों जिहाद वास्ते इजाजत मांग रहा है। सारा खानदान मन गया पर मां नहीं ओ मन्नी। हाय हाय हाय, मां क्यों नहीं मन्नी। अल्लाह रसूल तो बाद सब नालों ज्यादा प्यार करन वाली हस्ती दा नाम दसो भला की है। मां मावा मावा ने मावा ठंडियां छावा, मावा मावा ने मावा ठंडियां छावा, मावा मावा ने ओ मावा मावा ने ओ मावा मावा ने मावा ठंडियां छावा। मां दे प्यारा तो मैं सदके वारी जावा। मां नहीं ओ मन दी हुण बेटा की करदा है, बेटा कुर्बान होना चाहता है। इस्माइल दी सुन्नत अमल करना चाहता है। बेटा रात नूं उठया वुजू बना के मुसल्ले ते खड़ो के तहज्जुद दी नमाज पढ़ के पहले रो रो के रब नूं मनांदा है। पिछली रातें रहमत रब दे ते करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगण वालियां कारण खुला रहमत दा दरवाज़ा। ते रो रो के रब दा अरश हलांदा है। रब दे अरश नूं हला के मुसल्ला चुक के मां दे कदमां वाले पासे बह जांदा है। मां सुते होई है, मां दे कदमां नूं दबा रिहा है। मां जाग पैंदी है, बच्चे दियां सिसकियां वेख के मां बेटे नूं खिच के अपने पट उत्ते उहदा सिर रख के अपनियां उंगलां दी कंघी बना के लाडा ते प्यारा नाल अपने बेटे दे सर अंदर उंगलां दी कंघी चला के पिछानी नूं बोसा दे के आंदी है। मां सदके जाए मेरे पुत्र नूं केड़ी शै दे गम ने रवाया है। ते बेटा मां दे सामने अपना गम पिया दसदा है। मां मैं क्यों रोना वा, ओदा मैं तर्जमा कीता। दरा अल्लाह तुहाडे सारेयां ते मेरे समेत रामता नाजल फरमाए। अल्लाह सारे मजमन जरा तवज्जो दे नाल गल समात करन दी तौफीक अता फरमाए। आज स्टेज ते बैठन वाले सारे इलाके दे शान वाले और सोने ते प्यारे जमाते बुजुर्गा ते भी अल्लाह राजी हो जाए। सौन वाला बड़ा पुराना बेली है, अल्लाह नू लम्मी लम्मी वड़ी वड़ी दाढ़ी दी खातर अपने दिल दी कुर्बानी देन दी दवेगा। फरमाए गज के आखो आमीन। तो जी हजरात नौजवान रात दे अंधेरे अंदर मां दे पट उत्ते सिर रख के अपने रोण दी वजह बयान करदा की आंदा है। दे इजाजत ते कश्मीर जावा मैं मां, जुल्म जालमां दे जाके मुकावा मैं मां। मैनू कश्मीरी भैन पुकार रही है, वाजा कश्मीर चो ओ मैनू मार रही है, वाजा कश्मीर चो ओ मैनू मार रही है। ओदी इज्जत नू जाके बचावा मैं मां, ओदी इज्जत नू जाके बचावा मैं मां, जुल्म जालमां दे जाके मुकावा मैं मां। जुल्म कश्मीरियां ते हो रहा है,
बच्चा बच्चा कश्मीरियां दा रो रहा है, बच्चा बच्चा कश्मीरियां दा रो रहा है, रोंदे बच्चियां नूं जा चुप करावां मैं मां, रोंदे बच्चियां नूं जा चुप करावां मैं मां, जुल्म जालमां दे जाके मुकावां मैं मां। माशाल्लाह अज दे इस महफल दे प्रोग्राम दे इस तकसीमे इनामात वाली तकरीब दे मेहमान खसूसी मोहतरम मौलाना प्रोफेसर सैफुल्ला खालिद साहब हाफिज़हुल्लाह तआला अमीर जमातु दावा पाकिस्तान तशरीफ ले आए। अहलम व सहलन मरहबा। लो जी इंशाअल्लाह पंजा मिनटा दे अंदर अंदर मैं अपनी बात समेट देंगा। तो गल मैं सुना रहा सा कुर्बानी, जिस तरह माई हाजरा ने बेटे दी कुर्बानी वास्ते अपना बेटा नवा दवा के टोर दिता, इस नौजवान नू भी मां ने आ गल्ला सुन के बेटे नू मैदाना वल रवाना करता। इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम ने बेटा कुर्बान करता, अपने हाथ नाल छोरे चलाई, ऐसे बाप जिन्ना ने अपने बेटिया नू जिहाद वास्ते रवाना कीता। इन्हां बजुर्गां नू भी अल्लाह ने अपना बेटा कुर्बानी वास्ते रवाना करन दे तौफीक अता फरमाई। ए बजुर्ग लाहौर दे रहन वाले ने, इन्हां दे तीन बेटे ने, वड्डे बेटे दा नाम हमजा है। अल्लाह ने बाप और बेटे नू कुर्बानियां देण दा शौर और जज्बा अता फरमाया। इन्हां बजुर्गां ने अपना बड़ा बेटा हमजा शालामार कालच चो हटा के काफरां दे मुकाबले ते कुर्बानी वास्ते रवाना कर छड़िया। एक साल ते तकरीबन दस दिन तो बाद हमजा दी शहादत दी खबर आ गई। अज बाप दा किरदार तुहाडे सामने बयान करना चाहना, कुर्बानी दा पैगाम की है। मैं मौके दा गवाह वां, ए जिहड़ा है नौजवान शहीद होण वाले दा बाप, असीं उहनूं जी एम दे नां नाल पुकार दे सां, गुलाम सरवर ओ मियां बहावलपुर किसे फैक्ट्री अंदर अफसर सी, उथों वापस अपने घर पहुंचया। सारे मेहमान बैठे हुए ने, एक मुरीद के दा मेहमान सरवर साहब नूं मिल के रोण लग पैंदा है। जीएम साहब आंदे ने, वट्टो साहब डॉक्टर साहब नूं समझाओ ए रोंदा क्यों है, मैं ते अपने बेटे नूं आप कुर्बानियां दे वास्ते रवाना कीता, जदों मैनूं खबरां मिल गईआं मेरा बेटा मैदानां अंदर चला गया है, मैं मुसल्ला डालिया तहज्जुद दी नमाज अदा करके रब दे सामने फरियादां करदा सां, मौला मेरे बेटे नूं शहादत दी मौत अता फरमा, मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। और हजरात अज अल्लाह ने मेरे बेटे नूं शहादत दी मौत अता फरमाई है, गम केड़ी गल दा, अज मेरे वास्ते बड़ा मुसर्रत वाला खुशी वाला मौका है। नौजवान लौर छड़ के चला गया, मेरे सामने इन्हें एडवांस पैसे जमा करा के कार नवी कढ़ाई, काले रंग दा 125 मोटरसाइकिल होंडा कंपनी दा एडवांस पैसे जमा करा के कढ़वाया, मोटरसाइकिल भी छड़ गया, कार भी छड़ गया, घर बार भी छड़ गया, मैदाना च गया और अपने जान दी कुर्बानी दे गया। और इसमें अपने यार दे किरदार ते दो जुमले पेश करके दुआ करना चाहना, गौर फरमाना, जिहाद जिन्ना नो समझ च आया ओ छड़ गए कोठियां कारां, जिहाद जिन्ना नो समझ च आया ओ छड़ गए कोठियां कारां, मां प्यो पैणा पाई छड़ गए ते छड़ गए सोहबत यारां, छड़ के शहर लाहौर ओना मैदान च डेरे लाए,
दे के मौत शहादत रब ने अपने कोल बुलाए। आ तुहाडे नाल पिंड नजाबत जिथों का इश्तिहार मैं पढ़िया कर यासी ने उते कल जुमा पढ़ाया। नजाबत का नौजवान मुहम्मद अरशद अबू हुरैरा मैदान नच गया, शहादत दी खबर आ गई। मैं शहीद दी मां नूं जाके मिल के आखिया, मां जी जदों तेरे बेटे दी कुर्बानी दी खबर आई, तेरा उस वेले दिल दा ते वजूद दा ते दिमाग दा हाल की सी? आंदी खालद बेटा जदों साडे बूवे ते मुजाहिद आए मैनू यकीन हो गया अबू हुरैरा शहीद हो गया। मैं रब कोलों दुआ कीती, वे सोहणिया रब्बा जे तू मेरे बेटे दी कुर्बानी कबूल कर ली मैनू सबरे जमील अता फरमा। साडा सारा पिंड आया, सारे पिंड दियां औरतां आईयां, हस्ते वाले दियां औरतां आईयां, जंगा सिंह दियां औरतां आईयां, ते औरतां मैनू आके आखण ने शहीद दिए माए असी तेरे नाल अफसोस किवें करिए। ते मैं उन्हां औरतां नूं आंदी सा नी मैनू मुबारकां दिओ। तो साढ़े मसूल साहब ने दसिया बहुत सारिया बीबी आईया ने, ताम आखर ते उन्हां मावां भैणां दी खिदमत वास्ते आ शेर चंद सुनाना चाहना वा। अबू हुरैरा दी मां ने आखिया नी बीबीओ मैनू मुबारकां दिओ, ने मैनू सारिया दिओ मुबारकां, मैं बनी शहीद दी मां, रब सी मैनू पुत अताया, दीन दी राते मैं सी लाया, दुनिया दे सब कम चुड़ा के मुजाहिदां दे सी संगर लाया, इस्लाम दी खातर विच मैदान दे ओ दे गया अपनी जान, ने मैनू सारिया दे ओ मुबारकां, मैं बनी शहीद दी मां। तो जिस तरह दा अज प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम दे इनकार दा सबब कि नौजवान तालिब इल्मां नूं मोहतरम अबू हमजा मकसूद भाई ने जिस तरह उन्हां नूं कोर्स कराया पढ़ाया, और फिर उन्हां दे कोलों इम्तिहानात दे अंदर जिन्हां नूं अल्लाह ने पोजिशन अता फरमाइयां उन्हां नूं इनामात देण वास्ते मोहतरम शेख सैफुल्ला खालिद साहब नूं सानूं बुलाया। अल्लाह उन्हां नौजवानां नूं होर ज़्यादा अपने दीन दा इलम हासिल करन दा जज्बा ते शौक अता फरमाए, और इस इंतजामिया नूं और सारे मामला चलाण वालिया नूं अल्लाह मोहतरम अबू हमजा भाई दी सारी टीम नूं इदा बेहतर बदला अता फरमाए, जदाए खैर अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।